हेलो गाइज, मैं हूं अविनाश। टेके बे के कोने वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइज, कल चाइना में जेटी ने अपना एक नया मिड रेंज कैटेगरी का 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। नाम थोड़ा सा अजीब है, जेटी वोयागे 20 प्रो नाम से ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया। फोन के स्पेसिफिकेशन मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे हैं और प्राइस भी ठीक ठाक रखी है। तो इस वीडियो में हम इस फोन के सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आती है डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह का कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिजाइन एंड डिस्प्ले के बारे में। तो डिजाइन और लुक्स वाइज ये फोन कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। वन प्लस 9R से काफी मिलता जुलता इसमें डिजाइन दिया गया है। खासकर कैमरा हाउसिंग एंड कैमरा पैटर्न सिमिलर उसी के जैसा है। 8.3mm थिकनेस के साथ आता है और 180g इसका वेट है। तो फोन थोड़ा सा बल्कि है लेकिन काफी लाइट वेट है। दो कलर में लॉन्च किया गया है। पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है जिसके ऊपर ग्लास फिनिश दिया गया है। टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल कैमरा सेटअप है जिसमें की 3 कैमरा सेंसर, 1 LED फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। फ्रेम प्लास्टिक का और फ्रंट तरफ ग्लास देखने को मिलता है, जहां पे 6.67 इंच का एक AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो कि FHD प्लस रेजोल्यूशन का है। 20:9 एस्पेक्ट रेशियो में ही डिस्प्ले है। 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। DCI P3 कलर गैमिट को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसके ऊपर HDR10 भी सर्टिफाइड है। तो फोन काफी गुड लुकिंग है, काफी प्रीमियम सा डिजाइन फोन में दिया गया है। इसके अलावा स्पेक्स वाइज इस फोन का डिस्प्ले भी काफी अच्छा है। कैमरे के बारे में बात करें तो इसके रियर साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए हैं। प्राइमरी सेंसर इसमें 64 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि एक वाइड एंगल सेंसर है। सेकेंडरी सेंसर इसमें 8 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। थर्ड सेंसर इसमें 5MP के दिए गए हैं जो कि एक माइक्रो सेंसर है। और फ्रंट की तरफ इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो कैमरा सेटअप काफी अच्छा है। जनरली देखा जाए तो जिसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप होते हैं उसमें 64+8+2 का सेटअप देखने को मिलता है, बट यहाँ पे 5MP का माइक्रो सेंसर दिया गया है। कैमरे में अलग अलग तरह के कई सारे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैक्सिमम इस फोन के रियर कैमरे में 30fps पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है और फ्रंट कैमरे में मैक्सिमम 30fps पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। चलिए गाइस, जब बात करते हैं इस फोन के मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे 5100 mAh की बैटरी दी गई है जो कि काफी बड़ी बैटरी है। इसके अलावा यहाँ पे 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट, NFC, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.1, सिंगल स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और सेंसर के बारे में बात करें तो इधर उधर के छोटे मोटे सारे के सारे सेंसर भी फोन में दिए गए हैं। 8GB 256GB के सिंगल वेरियंट में लॉन्च किया गया। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 11 के ऊपर ही आता है। MyOS 11.5 के ऊपर रन करता है। चलिए गाइस, जब बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 का चिपसेट दिया गया जो कि मीडियाटेक का मिड रेंज कैटेगरी का चिपसेट है। काफी पावरफुल चिपसेट है। 2GHz की क्लॉक स्पीड पे ये चिपसेट रन करता है और 7nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे ये चिपसेट बना है। तो ये थोड़ी सी एनर्जी एफिशिएंसी है। इस फोन में एनर्जी एफिशिएंसी, बैटरी एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, हीटिंग का इश्यूज कम देखने को मिलेगा। गेमिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे R-Mali-G57MC3 GPU का इस्तेमाल किया गया है जो कि डे टू डे लाइफ में सारा का सारा काम अच्छे से हैंडल कर लेता है और सभी तरह की गेमिंग भी मक्खन की तरह हैंडल करके दे देगा। तो फोन में परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलेगा। यहाँ पे LPDDR4X RAM, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। तो रीड एंड राइट स्पीड भी काफी अच्छी मिलेगी। तो गाइस, यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। बात करते हैं दोस्तों इस फोन के प्राइस के बारे में, तो सिंगल एक ही वेरियंट लॉन्च किया गया जिसकी प्राइस चाइना में 2198 युआन रखी गई है, जिसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 25,000 के करीब प्राइस निकलती है। तो प्राइस मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि 8GB 256GB वाला वेरिएंट लॉन्च किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कैमरा सेटअप भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप रेनो 7SE से कंपेयर करते हो तो उससे काफी कुछ चीजें अच्छी दी गई है, बस प्रोसेसर इसका उतना अच्छा नहीं है। बट जैसा भी है, मुझे रेनो 7SE से यही स्मार्टफोन काफी अच्छा लगा। और इसके इंडिया लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इस वेरिएंट के फोन इंडिया में लॉन्च नहीं किए जाते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए था। तो कैसा लगा वीडियो कॉमेंट में जरूर बताइए। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।